नमस्कार, मैं पंडित रामदेव बे आप सबके समकक्ष महत्वपूर्ण जानकारी लेके उपस्थित हुआ हूँ और आशा करूँगा कि यह जानकारी हर किसी के लिए लाभप्रद होगा, क्योंकि यह हर किसी के गृहस्थ जीवन और घर से जुड़ी हुई समस्याओं और दिनचर्या के विषय में लेके प्रस्तुत हुआ हूँ और शायद हर कोई इसको जानता भी है और कुछ नहीं भी जानते हों, लेकिन आइए जानते हैं। अगर जो नहीं जानता है वो जानने और जो जानते हैं तो उनका धन्यवाद। आइए हम जानते हैं और आप सबके समकक्ष जानकारियां जो लार दे रहे हैं उसको आप सुनिए। महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि हमारे सर्वप्रथम जानकारी कि हमारे जो घर में हम पूजा गृह में दो शिवलिंग, तीन गणेश, दो शंख, दो सूर्य की प्रतिमाएं, तीन देवी प्रतिमा, दो गोमती चक्र, दो शालिग्राम का पूजन नहीं करना चाहिए घर में। मंदिर की बात नहीं है, एक घर में। साथ में दूसरा, घर में 9 इंच यानी तकरीबन 22 सेंटीमीटर से छोटी देव प्रतिमा होनी चाहिए। इससे बड़ी प्रतिमा घर में शुभ नहीं होती है, उसे मंदिर में रखना चाहिए, घर के मंदिर के लिए नहीं होता ये। आप मंदिर में जहाँ पर प्रतिष्ठान किया जाता है उस जगह आप इससे बड़ी प्रतिमा रख सकते हैं, घर में 9 इंच से ऊपर की प्रतिमाएं नहीं होनी चाहिए। तीसरा, परिक्रमा जो हम मंदिर का या किसी देव का या हम हवन का परिक्रमा करते हैं तो कितनी बार किया जाए उस विषय को जानते हैं। परिक्रमा देवी की एक बार करनी चाहिए, देवी की परिक्रमा एक बार करनी चाहिए, सूर्य की प्रतिक्रमा 7 बार करनी चाहिए, गणेश की प्रतिक्रमा 3 बार करनी चाहिए, विष्णु की 4 बार करनी चाहिए और श्री शिव की आधी परिक्रमा करना चाहिए। जो ये परिक्रमाएं करी जाती हैं उसमें देवी जी की 1 बार, सूर्य जी का 7 बार, गणेश जी का 3 बार, विष्णु जी का 4 बार और शिव जी का आधी परिक्रमा करना होता है। चौथा है, आरती करते समय भगवान विष्णु के समक्ष 12 बार, सूर्य के समक्ष 7 बार और दुर्गा के समक्ष 9, शंकर के समक्ष 11 और गणेश जी के समक्ष 4 बार आरती घुमानी चाहिए। इसके बाद पांचवा ये है, पूजा करते समय केवल भूमि पर न बैठें, आसन जरूर बिछावें, खाली जमीन पर ना बैठें, आसन बिछा के कोई कपड़ा बिछा के लाल रंग का हो या किसी भी रंग का हो, लेकिन आसन होना चाहिए। इसके बाद है छठा, शिलान्यास सर्वप्रथम आग्नेय दिशा में होना चाहिए, शेष निर्माण प्रदक्षिण क्रम से करना चाहिए, मध्याह्न, मध्यरात्रि और संध्या काल में नींव न रखें। सातवां है, पूर्व उत्तर और ईशान दिशा में नीची भूमि सबके लिए अत्यंत लाभप्रद होती है, अन्य दिशाओं में नीची भूमि सबके लिए हानिकारक होती है। आठवां, घर के उत्तर प्लक्ष यानी पाकड़ पूर्व में बट वृक्ष, दक्षिण में गूलर और पश्चिम में पीपल का वृक्ष सुप्रद होता है। पेड़ की छाया घर पर नहीं पड़नी चाहिए, ध्यान जरूर देना चाहिए। ईंट नवा है, ईंट लोहा पत्थर
मिट्टी और लकड़ी ये नए मकान में नए ही लगाने चाहिए। एक मकान की सामग्री दूसरे मकान में लगाना उचित नहीं है क्योंकि हानिकारक होता है। नवा है, सोने के समय सदा पूर्व अथवा दक्षिण दिशा की ओर सिर करके रखना चाहिए और सोना चाहिए। 11वां आप सबके लिए नोट है कि प्रतिदिन माथे पर तिलक चंदन लगाकर ही कार्य के लिए घर से निकले। और मैं उन सभी सर्वप्रथम जो ब्राह्मण हैं जो पंडित हैं उनके लिए अनिवार्य है, तिलक लगाना अनिवार्य है। बगैर तिलक का ब्राह्मण शोभामान नहीं होता, और अगर ये तिलक नहीं लगाते तो कुछ कहावतें होती हैं कि इनको बगैर तिलक का अगर कोई सुबह सुबह देख ले ब्राह्मण को विप्र को तो उनका दिन भी खराब हो जाता है। बगैर तिलक का कोई भी ब्राह्मण शोभनीय नहीं होता। ब्राह्मण के लिए अति उचित है कि वो बगैर तिलक को बाहर ना निकले। तो यह जानकारियाँ, छोटी सी जानकारियाँ आप सबके समकक्ष में लाया था। आशा करूँगा कि आप सबको अच्छा लगेगा। नमस्कार।